सुबह का टाइम है, चाय बन चुकी है। सुबह सुबह सारी सड़कें खाली, आगे पीछे कोई नहीं, बस हम दो। किसी मेरे साले साहब का एग्जाम है, वो एग्जाम देने जा रहे हैं, हम लोग मौज मारने जा रहे हैं। टेंशन है, इस बेचारे का एग्जाम है और हम लोग खाली घूमने आए। अब ये बोला है कि जब एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा तब घूमने जाना, ऐसा नहीं कर सकते हम। 3 घंटे हम लोग बाहर नहीं रह सकते, क्यों? क्या पेट्रोल में लग गए तो कल से चाय बना के आए हैं। बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी। गाड़ी के ऊपर बैठ के खा रहा है। सनराइज हो गया है गाइस, और ये साफ कर रहे हैं, एक्सप्रेशन देखो इसके। और अभी तक मैं कर रहा था, मैंने कर दिया है। और ये है कॉलेज, फाइनली इसके एग्जाम के लिए पहुंच गए हैं यहाँ पे। यहाँ बच्चे बास्केटबॉल खेलते हुए, अपने दिन याद आ गए यार सही में। कॉलेज पहुंच गए हैं, इसको ऑल द बेस्ट बोल के हम लोग निकलते हैं भाई। ऑल द बेस्ट, ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, तू घर आ जाइए दिल्ली, ठीक है। भैया हम शौचालय जा रहे थे, इसके बाहर ये लिखा हुआ है, शायद इन लोगों ने मिल के बनाया होगा शौचालय, मुझे जहाँ तक लग रहा है, निर्माण कार्य। हाँ, रॉबर्स के, जब मैं पहले आया था ना इतना भीड़ नहीं हुआ करता था और इतना सब कुछ नहीं था, अब तो हर चीज़ के चार्जेस लगा दिए यहाँ पे। हाँ, पिकनिक स्पॉट सही है वैसे फैमिली के साथ आने के लिए। पहले यहाँ ऊँट की सवारी, देखो गाइस कितना गंदा मचा रखा है यहाँ भी, चिप्स चिप्स के पैकेट, और इधर से स्टार्ट है गुच्चू पानी। कैसा है, बढ़िया? पानी खत्म हो गया एकदम। ऐसी है केव पूरी अंदर तक। तुम आओ भैया वीडियो में। कभी देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, ऐसा लग रहा है कोई अमेज़न का फॉरेस्ट है। पानी देखो यहाँ यहाँ तक है, पूरे गीले हुए नीचे तक। यहाँ अलग ही लोग गुस्से में चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर पानी गिरे जा रहे हैं। चलो कोई नहीं, चलते हैं वापस हम लोग। तो इसके अंदर भी गाइस आप देख सकते हो कितना जाम लगता है, कितने सारे लोग जाते हैं। पानी भी थोड़ा मतलब ठंडा पानी है, बट थोड़ा सा मैला टाइप बोल सकते हो, हैं मडी मडी है, पर जाम बहुत लगता है यहाँ आने से पहले। और चप्पल भी ले लेना, बाहर चप्पल की सुविधा भी है यहाँ पे। तो गलती हम लोगों ने क्या की, हम लोग बिना चप्पल के आ गए, और बिना चप्पल के इतने पैर चुभेंगे ना आपके। तो अगर आ रहे हो तो प्लीज़ यहाँ पे चप्पल पहन के आओ, या तो फिर चप्पल बाहर किराए में भी मिलते हैं वो ले सकते हो आप, ठीक है। क्या हुआ, पैरों की हालत हो गई खराब? और जाए नंगे पैर वहां पे। गन्ने वाली मशीन ये वाली पहली बार देख रहा हूँ, अदरवाइज हमने जो भी देखी है वो जनरेटर से जो चलती है वो देखी है, या इंजन से। नाइस, तो
से टाइम गिना जा रहा है। ऑर्डर दिया था खाने का, अभी तक नहीं आया। उसने बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ, तो 5 मिनट गिन रही है। 50, 51। 5 मिनट में अगर घंटी बज गई तो ठीक है, वरना ये मेरी बजा देगी। और 15 मिनट के बाद खाना आ गया, अब ये खुश है। ये देहरादून की लोकल मार्केट में अभी घूम रहे हैं और मेरी वाइफ अपने भाई को जूता दिला रही है, बल्कि चप्पलों में मैं घूम रहा हूँ। हमारे रूम पे पड़ा हुआ है। ओके, मान लिया। और ये काफ़ी कंजेस्टेड है देहरादून, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे काफ़ी जाम लगते रहता है, छोटी छोटी रोडें हैं और ठीक है, बट फिर भी अच्छा है, सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे। बाकी हम लोगों ने अब अवतार चेंज कर लिया, ग्रीन ग्रीन ट्यूनिंग करना हमने यहाँ भी नहीं छोड़ा। एक बात बताओ, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? पक्का? और कितनी कैपिटल्स हैं तेरा सॉरी उत्तराखंड की? टू। दूसरी वाली कौन सी है? एंड दिस इज द विंटर कैपिटल और समर कैपिटल? ओके। एंड जो दूसरी वाली है वो कौन सी है? गढ़सैंण। ठीक है, एक समर कैपिटल है, एक विंटर कैपिटल। ठीक है, एंड एक और चीज, यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य का जन्म हुआ था देहरादून में। डू यू नो दैट? डोंट नो, नाउ यू नो। मेरी बीवी को फाइनली मिल गया है। जहाँ रात का बंदोबस्त हमें करना है वो ऊपर ठेका, ठेका नहीं मतलब पीने का। अब वहाँ पर वहाँ तक पहुँचना कैसे, अब ये डिसाइड करना है हमें। क्या बोल रही हो? देहरादून में एक चीज बहुत अच्छी है, काफी वेल मैनर्ड सिटी है। ये जो फुटपाथ आप देख रहे हो, ये दोनों तरफ बने हुए हैं और इवन यहाँ बैठने के लिए भी सीट्स बनी हुई, उस साइड भी और इस साइड भी। तो ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे। फाइनली होटल रूम पहुंच गए। बहुत टायर्ड हो गए, सुबह 2 बजे से मैं कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहा हूं। और देहरादून हम लोग कोई फेमस स्पॉट्स नहीं घूमे, बस एक क्या जगह थी रॉबर्स के, वहां पे गए। और नॉर्मली हम लोग यहां के स्ट्रीट्स में घूमे और नॉर्मल शॉपिंग की है। तो किसी भी शहर को अगर जाना है तो वहां पे ट्रैवल करो, वॉक करो, तब जाके तुम्हें पता चलेगा। हमने बहुत ज़्यादा वॉक कर लिया, 3 किलोमीटर्स जाना आना, और सुबह 2 बजे से मैं ड्राइव भी कर रहा था तो हालत ख़राब हो चुकी है एंड इसकी भी हालत ख़राब है। चलो कंटिन्यू रखते हैं इस व्लॉग को।